उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, पुरातात्विक महत्व की सुरक्षा और नए मंदिर का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। महाकालेश्वर मंदिर, जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ के विशाल मंदिर परिसर का विस्तारीकरण हो रहा है और इसके दौरान 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेषों की खोज की गई है। इस खुदाई के परिणाम स्वरूप एक नया मंदिर बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई 37 फीट होगी और इसके निर्माण में कुल 65 लाख रुपए की लागत आने की आशंका है। इस मंदिर को एक साल के अंदर तैयार करने की योजना बनाई गई है और इसका निर्माण प्राचीनता और पुरातत्व विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव के साथ पर्व महाशिवरात्रि पर लाखों भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसके अलावा यहाँ के प्राचीन और धार्मिक महत्व के पुराने मंदिरों का भी उल्लेख है जिनका अवशेष अब खुदाई के दौरान मिला है। मई 2020 में महाकाल मंदिर के परिसर का विस्तारीकरण शुरू हुआ था जिसमें पुराने मंदिर के अवशेषों की खुदाई भी शामिल है। इस खुदाई के दौरान मंदिर के अगले हिस्से की खुदाई की गई और 25 से 30 फीट के अंदर प्राचीन मंदिर के ढांचे के अवशेष मिले। यहां पाए गए अवशेष में आधार भाग, प्राचीन शिवलिंग, नंदी, गणेश, माँ चामुंडा और शार्दूल की मूर्तियां थीं। इसके बाद खुदाई का काम रोक दिया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने इसे परमारकालीन मंदिर के रूप में जाना था। खुदाई के परिणाम स्वरूप एक नया मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। यह मंदिर 37 फीट की ऊंचाई के साथ बनाया जाएगा और इसके निर्माण के लिए कुल 65 लाख रुपए की लागत की आशंका है। इसका निर्माण प्राचीनता और पुरातत्व विशेषज्ञों की निगरानी में होगा और यह मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। समाज के अनुसार पुरातात्विक धार्मिक महत्व को मान्यता देते हुए नए मंदिर के निर्माण की योजना इस प्रकार है। खुदाई का आयोजन, पहले खुदाई का काम नीचे दबे मंदिर के अवशेषों की खुदाई के साथ शुरू किया जाएगा। खुदाई के दौरान पत्थरों का अवलोकन किया जाएगा और उन्हें संरक्षित किया जाएगा। निर्माण की योजना, खुदाई के परिणाम स्वरूप नींव से मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। मंदिर निर्माण के दौरान पुरातात्विक विद्याओं के मार्गदर्शन में पुरातत्व अधिकारियों द्वारा मिले अवशेषों की सुरक्षा की जाएगी और उन्हें मंदिर के निर्माण में शामिल किया जाएगा। इस पुरातात्विक खुदाई से पुराने मंदिर के पुरातात्विक महत्व को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल धार्मिक इतिहास को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि पुराने मंदिरों की सुरक्षित रूप से संरक्षित की जाए। मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया, इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। खुदाई का आयोजन, मंदिर के परिसर में पहले से मौजूद अवशेषों की खुदाई का काम फिर से शुरू होगा। खुदाई के दौरान पुराने मंदिर के अवशेषों को उद्धारित किया जाएगा और इन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। नए मंदिर का निर्माण, खुदाई के परिणाम स्वरूप मंदिर की नींव से नया मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसमें पुरातात्विक महत्व के पत्थरों का उपयोग किया जाएगा और उन्हें संरक्षित किया जाएगा। स्थापना और सजावट, मंदिर के परिणाम स्वरूप निर्माण के दौरान पुरातात्विक महत्व के अवशेषों को स्थापित किया जाएगा और मंदिर की सजावट का काम पूरा किया जाएगा। मंदिर का पुरातात्विक महत्व निर्वाचन का सामर्थ्य करता है। डॉक्टर रमेश यादव, जो पुरातात्विक विद्याओं की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, ने बताया कि मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में पुरातात्विक महत्व को निर्माण पूर्ण बनाने के लिए खुदाई का निर्णय लिया गया था। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देने के लिए बताया कि मंदिर के सिरदल और द्वार शाखा पर स्थित देवता के चिन्ह से पता चलता है कि मंदिर किस देवता का है। इसका आधार बाद में पुरातात्विक धार्मिक स्वरूप की पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में हो रहे मंदिर के निर्माण का यह प्रयास महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुरातात्विक महत्व की सुरक्षा की जा रही है और धार्मिक महत्व के पुराने स्थलों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। नए मंदिर का निर्माण भी धार्मिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाएगा जो श्रद्धालुओं के लिए एक और आकर्षण का केंद्र बनेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।